सखियां सारी फीकी लाग ऐसो रूप सजीलो माँ गोरा थार चांद सरी को मुखड़ो सगलारो मन हर साय गोरा थार चांद सरी को मुखड़ो सगलारो मन हर साय। लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है, गणगौर पूजा मनाया जा रहा है और मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं। अब वो एक गीत गाएंगी, चलिए सुनते हैं। हमारी देव सबन आशीष माँ सखियाँ सारी फीकी लाग ऐसो रूप सजीलो माँ गोरा थार चांद सरी को मुखड़ो सगलारो मन हर साय गोरा थार चांद सरी को मुखड़ो सगलारो मन हर साय गोरा जरा धीमे धीमे चालो ईसर जी साग आए गोरा जरा धीमे धीमे चालो ईसर जी साग आए मिश्री से मीठी गोरा मारी देव सबन आशीष माँ फूल से भी प्यारी लागे हिवरो खुश हो जावसा खूब निरखा पल पल थान थे तो सुहाग बाटो सा गोरा थारी आँख्या जादूगारी मार तो मन बहकाए गोरा थारा केस का मन गारा मारा तो मन उलझाए गोरा थारा केस का मन गारा मारा तो मन हर साय गोरा थार चांद सरी सो मुखड़ो सगलारो मन हर साय गोरा जरा धीमे धीमे चालो ईसर जी साग आय गोरा जरा धीमे धीमे चालो ईसर जी साग आय। पायल री बाजे गोरा थारी जद पायल री बाजे मारो तो मन हर साय गोरा थार रूप जादूगारो थन देख ईसर मुस्काय गोरा थार रूप जादूगारो थन देख ईसर मुस्काय गोरा थार चांद सरी को मुखड़ो राम मन हर्षा माली का मरवा अज मार गोर बनोरो नीस अज मारो सरस बनोरो नीस अरे ओ सुनील अनिल कुमार तो सुनील कुमार दोनों सा साबाई बाया है मोतिया बिचली लाल माली का मरवा अज मार गोर बनोरो नीस अज मार सरस बनोरो नीस अरे ओ बाल गोपाल तो कृष्ण कन्हैया दोनों सारे सा भाई बाई है भाई आंसुर नीलांशु है मोतिया बिचली एक और चाचा की दो छोरी और बाबा को लो मकान में लिख रहा है आज मारे गोर बनोरो नीस अरे ओ दो छोरी और बाबा को ले लो गुड्डो और डोली ले वहां हर रोज गुड्डो तो डोली दोनों साथ रिया बाया है मोतिया बिचली लाल माल मरवा अज मार गोर बनोर गड़ूलो घूम गो जी घूम गो गुड़ला में लाडू चार गड़ूलो घूम गो जी घूम गो ईसर दस घरा पधार गुड़लो घूम गो घूम गो कानी रम घरा पधार गुड़लो घूम गो जी घूम गुड़ला में आखा चार गुड़लो गुड़ला में लाडू चार गुड़लो घूम गुड़ला में मोर पचास गुड़लो घूम जी घूम गो अनिल कुमार घर पधार गुड़लो घूम गो जी घूम गो
सुनील कुमार घरा पधार गुड़ल घरा पधार गुड़ल घरा पधार गुड़लो घूम गो जी घूम गो गुड़ला में लाडू चार गुड़लो घूम गो जी घूम गो गुड़ला में मोर पचास गुड़लो घूम गो जी घूम गो गुड़ला में लाडू चार गुड़लो घूम गो जी घूम गो। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी, और आपके लिए खुशखबरी है, गणगौर आ चुका है। चलिए, जो लोग जानते हैं इस पूरे ट्रेडिशन को, उन्हें पता है कब से गणगौर की शुरुआत हुई और क्या रीति रिवाज है इससे संबंधित। जिनको नहीं पता है वो आज इस स्पेशल कार्यक्रम से जान जाएंगे। इस वक्त मैं हूँ धनबाद के सिटी सेंटर स्थित गार्डन सिटी अपार्टमेंट में। वहाँ एक फ्लैट है, उसी में हम लोग आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं महिलाएं। सुहागिनों का त्यौहार गणगौर आ चुका है, और एक के बाद एक लोकगीत आपने अभी सुने। चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं और इस ट्रेडिशन को जानने की कोशिश करते हैं। गणगौर आखिर मनाते क्यों हैं, किस महीने में मनाते हैं और क्या खासियत है। आंटी, सबसे पहले आपसे जानूंगी, पहले तो आप गीत बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। और इसके बाद ये गणगौर मनाते क्यों हैं? ये सुहाग का प्रतीक है। माँ गणगौर हम लोग को सुहाग का आशीर्वाद देती है। अपने सुहाग के कामना के लिए हम लोग गणगौर पूजन करते हैं। करते हैं। चलिए, आंटी ने एकदम एमसीक्यू टाइप आंसर दिया है। एक सेंटेंस था जिसमें बस टिक कर देना था। चलिए, आंटी से मिल गया आंसर। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये मतलब जो न्यूली वेडेड होती है लड़कियां, तुरंत शादी हुई होती हैं, बहुत मुझे लगता है उस समय उत्साही रहती हैं इस त्योहार को लेकर। हाँ। क्या कारण रहता है और क्या कुछ नया होता है उन दिनों में? उन दिनों में हम लोग की गणगौर उसमें ज्यादा उत्साह से हम लोग पूछते हैं। नई वाली ब्योली गणगौर रहती है, उनका बनोरा निकलता है और सब होता है। कई फंक्शन हम लोग अटेंड करते हैं उसमें, तो खूब चाव से करते हैं। और शंकर पार्वती को पूजा जाता है। अच्छा, गणगौर को हम लोग शंकर पार्वती माँ, तो सुहाग का ये मतलब हम लोग का वो है। तो शंकर पार्वती की मूर्तियाँ होती हैं? नहीं, मूर्तियाँ गणगौर की होती है, वो शंकर पार्वती के ही रूप रहते हैं। मतलब वो बनाते हैं, कुम्हारी से मनवा के लाते हैं, और फिर हम लोग सजाते अपने हाथों से हैं उनको, गहने पहना करके, और फिर उनको बड़ी चाव से हम लोग आज पूजते हैं। 16 दिन पूजते हैं, फिर 16वां दिन हम लोग विसर्जन करने जाते हैं। वो दिन हाँ, तालाब में, नदी में, कहीं भी अपने जहाँ है वहाँ विसर्जन करते हैं। 16 दिन की गणगौर होती है, चैत के महीने में होती है ये। और ये शुरुआत इसकी कब से? होली के जस्ट, होली जो होती है ना, मंगल की है, होलिका दहन, उनके बिहान से सुबह से, और उसकी राख से हम लोग, उसी की राख से हम लोग ये बनाते हैं। फिर मट्टी, फिर हम लोग ठंडा रोटी खाते हैं, बासोड़ा का। एक कहावत है कि होली की राख से जो हम लोग गणगौर पूजन करते हैं, ये भोले बाबा की पूजा है। हाँ। और भोले बाबा को भस्म बहुत पसंद है, तो भस्म से ही हम लोग ये बनाते हैं। फिर शंकर पार्वती का इसलिए उनको खुश करने के लिए हम लोग भस्म से उनका पूजन करते हैं, वो भस्म से ही हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब शिव और पार्वती की पूजा, पार्वती की पूजा गंगा। हाँ, पार्वती मैया से सुहाग का हम लोग, और नव नवेली जो दुल्हन होती है वो इसलिए चाव से पूछती है क्योंकि उनको नया नया जीवन साथी मिला होता है, उनके जीवन में नई नई उमंग होती है, नई नई लहर होती है, तो उसको और नयापन लगता है, तो वो अपने सुहाग बनाए रखे सुहाग। पर मुझे लग रहा है आंटी, आपके जीवन में उत्साह की कोई कमी नहीं है, इसे बनाए रखिएगा। चलिए, हंसी मजाक के साथ ये आप देख रहे हैं। मोतिया बिचली लाल माली का मरवा अज मारे गोर बनोरो नीस। अरे अनिल कुमार तो सुनील कुमार दोनों सार साबाई बाया है क्या बिचली लाल माली का मरवा अज मारे गोर बंदोरो नी सारे अज मारे दस बंदोरो नी सारे बाल गोपाल तो कृष्ण कन्हैया दोनों सारे सा भाई वेदिका है मोतिया भी बाई न्यासू है मोतिया बिजली लाल माई का मरवा
सरिसा पूत जुग जीताए बहन बदावेण नहीं सवाल ही नहीं है कौन बोला गाड़ी नीचे लगाए सीधा ऊपर आए तो नहीं हो सकता को मिटाना चाहती है बहन भाई को मिटाना चाहती है वो चलती कभी नहीं।